कांग्रेस लड़ना चाहती है, आज शाम तक अपना रिपोर्ट दे। हमारा जो उम्मीदवार का घोषणा फाइनल होता है वो होता है आला कमान का। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। बिहार विधानसभा उपचुनाव 2021 को लेकर लगातार बिहार की सियासत गरमाती जा रही है। जहां एक तरफ एनडीए ने अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है, वहीं महागठबंधन में अभी भी खींचातानी की स्थिति उत्पन्न है। कांग्रेस के बिहार प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने साफ कर दिया है कि उम्मीदवारों की नाम की जो घोषणा है उसको लेकर तमाम मंथन जो है वो कांग्रेस कर चुकी है और शीर्ष नेतृत्व को यहाँ से जो नाम की सूची है वो भेज दी जाएगी और जो आला कमान है कांग्रेस के वो निर्णय लेंगे और जल्द ही जो नाम की घोषणा है वो कर दी जाएगी। साथ ही साथ दावा करते दिखाई दे रहे हैं मदन मोहन झा कि एक सीट कुशेश्वर स्थान जो है वहाँ से कांग्रेस के उम्मीदवार जो है वो पहले भी चुनाव लड़े हैं, वो सीट कांग्रेस की जो है रही है। पिछले बार विधानसभा चुनाव में भले हार का सामना करना पड़ा मगर कांग्रेस के उम्मीदवार जो है वहाँ उठाए गए थे। क्या कुछ कर रहे हैं मदन मोहन झा, जरा आप वो सुनिए घोषणा कर। दो हमारा जो उम्मीदवार का घोषणा फाइनल होता है वो होता है आला कमान करते हैं, लेकिन हम लोग आज शाम तक अपना रिपोर्ट भेजेंगे। ये माना जाए कि कांग्रेस ही वहाँ से अपने उम्मीदवार उतारेंगे सर? कांग्रेस की सीट है ये, अंडरस्टूड है, आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं। कांग्रेस लड़ना चाहती है तो फाइनल अथॉरिटी आला कमान है, हम लोग आज आला कमान को जो स्थिति है उसको सूचित कर रहे हैं। सर एक सवाल और है सर, नीति आयोग का जो रिपोर्ट आया बिहार के साथ व्यवस्था को लेकर, इस पर सर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कह रहे हैं कि मुझे कुछ पता नहीं है नीति आयोग के रिपोर्ट को। अब इस पर हम क्या कहें, माननीय मुख्यमंत्री को ये सब बात बहुत बात में वो कह देते हैं हमको पता नहीं, इसको आप लोग प्लस लेते हैं कि माइनस लेते हैं ये आप बता सकते हैं। लेकिन नीति आयोग का ये रिपोर्ट है तो बिहार के लिए दुखद है, अंतिम पायदान पर बिहार आज है और हम लोग अपने से अपने बीच थपथपा रहे हैं, यह दुखद है। लेकिन ये बिहार के लिए सर्वनाक बात है, लेकिन हम आज भी आग्रह करते हैं इसमें विरोध और पक्ष की बात नहीं करके कि इसको इम्प्रूव करने का सभी लोग मिल के प्रयास करें ताकि बिहार का कुछ कल्याण हो सके। तो आपने सुना मदन मोहन झा को जो साफ तौर पर कहते दिखाई दे रहे हैं कि तमाम मंथन के बाद जो उम्मीदवारों के नाम की घोषणा है वो महागठबंधन कर देगा। साथ ही साथ ये भी कहते दिखाई दे रहे हैं कि नाम की सूची जो है वो शीर्ष नेतृत्व को आज शाम तक भेज दी जाएगी और बहुत जल्द जो उम्मीदवारों के नाम की का ऐलान है वो महागठबंधन कर देगा। देखने वाली बात यह है कि एनडीए ने जहां एक तरफ तारापुर और कुशेश्वर स्थान में जो उपचुनाव होने वाले हैं उन उम्मीदवारों के नाम की जो घोषणा है वो एनडीए ने कर दिया है, मगर महागठबंधन में अभी भी खींचातानी की स्थिति उत्पन्न है। लगातार राजद की तरफ से बयान आ रहा है कि तमाम जो महागठबंधन में घटक दल हैं वो अपना स्ट्राइक रेट देख ले, तो कहीं ना कहीं राजद जो है वो कांग्रेस को आंख दिखाते दिखाई दे रही है, मगर कांग्रेस भी एक सीट पर कुशेश्वर स्थान के सीट पर दावा ठोकते दिखाई दे रही है। खैर, लाइव सिटीज के साथ बने रहे, अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।